जो खुतबा अरबी में आप सुनेंगे उसका मफहूम यह है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तन्हा वादहु ला शरीक है, जो तन्हा इबादत के काबिल है, वो बरहक है, वो सच्चा है, वो माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं। उसी ने हमें दीन का रास्ता दिखाया, उसी ने हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाया। हमारी ज़बान इस काबिल नहीं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार, हमारे नबी, हमारे मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाह ने उनको हक लेकर भेजा है, वो खुशखबरी देने वाले हैं, अल्लाह के अज़ाब से डराने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक के मौके पर फरमाया, मुसलमानों समझ लो, बेशक सबसे सच्चा कलाम किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान सबसे सच्चा कलाम, सबसे बड़ा भरोसा अल्लाह का भरोसा, सबसे बेहतरीन मिल्लत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, सबसे बेहतरीन रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह का ज़िक्र, सबसे बेहतरीन सच्चा क़िस्सा क़ुरान करीम, सबसे बेहतरीन हिदायत का रास्ता अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम का रास्ता, सबसे बेहतरीन अमल वो है जो तुम्हें फ़ायदा दे, सबसे बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर रहे, गरीबों की मदद करता रहे। हुजूर ने फरमाया, चाहे थोड़ा हो, चाहे थोड़ा हो, अगर तुम्हारे लिए काफ़ी है तो बेहतर है, अगर ज़्यादा हो और तुमको अल्लाह से गाफिल कर दे तो वो तुम्हारे लिए बुरा है। अल्लाह ताला हमें और आपको तक्वा दीनदारी की तौफीक अता करे। मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब को पढ़ो, उसका तर्जमा अनुवाद पढ़ो, उस पर अमल करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पढ़ो और अल्लाह से तौफीक तलब करो कि अल्लाह ताला तुम्हें नेक कामों की तौफीक दे जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए। मैं हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ऐसा मामला फरमाए जो सरापा रहम व करम वाला हो, दीन में भी, दुनिया में भी, आखिरत में भी। हमारी दुआएं अल्लाह की रहमत की आरज़ू लेकर हैं, तमाम मेहरबानों से ज़्यादा वो मेहरबान है। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान रजीम से, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बड़ी बरकत बड़ी आज़मत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारा मुल्क है, सारी कायनात है, सारी दुनिया है, सारा संसार है। वहु अला कुल्ल शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर क़ादिर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।